कुछ दिन पूर्व नगर परिषद द्वारा बाड़मेर के शिवनगर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने विरोध किया था कि उनके पास पट्टे हैं, फिर भी उनके मकान तोड़ दिए हैं। वहीं कार्रवाई नहीं होने के चलते प्रभावित परिवारों द्वारा दिया गया धरना रविवार को भी जारी रहा। बाड़मेर शहर के शिवनगर में कुछ दिन पूर्व नगर परिषद द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब नगर परिषद के लिए गले का फांस बनकर साबित हो रही है। मामले को लेकर प्रभावित लोगों ने जिला कलेक्टर विश्राम मीणा के नाम ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण कार्रवाई में ध्वस्त किए रहवासी मकानों का मुआवजा दिलाने के साथ दोषी कार्मिकों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। मामले में कोई कार्रवाई न होने के चलते प्रभावित परिवार अपने टूटे मकानों के आगे टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए हैं और स्थायी भूखंड के साथ नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। रविवार को पांचवें दिन भी प्रभावित परिवारों का धरना जारी रहा और प्रभावित परिवारों ने नगर परिषद पर अनैतिक कार्रवाई के आरोप लगाए। प्रभावित परिवारों का कहना है कि भूखंड के पट्टे होने के बावजूद भी नगर परिषद के कार्मिकों ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके बने बनाए घरों पर जेसीबी चलाकर उन्हें बेघर कर दिया। इनको 2011 में पट्टे दिए थे लेकिन इनको जमीन नहीं दी थी। जिस लैंड में जमीन के पट्टे बोल रहे वो वहाँ पे दूसरे बैठे हैं। यहाँ पे मेयर राम जी ने कहा कि कहाँ बैठे थे को सरकारी जमीन में जाके बैठ जाओ, फिर आपको बाद में शिफ्ट करूँगा। यहाँ को बैठे हुए को 10 साल हो गए, अभी अचानक आके कोई सोचना नहीं दी, पहली किसी की भी नहीं मानी और मकान पट दिए, बेदर कर दिए। लॉकडाउन में कहते हैं सरकार अंदर घुसो, लेकिन ये तो घर ही तोड़ दिया तो कहाँ घुसे। हमारा पेट भरना ही मुश्किल हो गया, लेकिन घर वापस कहाँ से बनाएंगे। गरीब आदमी है, कोई कमाने वाला नहीं है। गरीब के पास तो हाथ होते हैं हथियार, तो हाथ जोड़ते हैं। साहब आए थे नगर पालिका, उनको हाथ जोड़ दिया तो भी एक भी नहीं सुनी हमारी। कैंसर पीड़ित आपके साथ है, वो भी हड़ताल पर है, क्या है? हाँ, कैंसर पीड़ित है पुष्पा, ये हड़ताल पे है, खाना नहीं खाती है, ये मरेगी, इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका। मेडिकल होता है, इनकी जाँच कोई नहीं होता है, कोई नहीं आता है, गरीब की कौन सुनाई करता है। उनके अनुसार जब तक उन्हें प्रशासन द्वारा नगर परिषद से नुकसान का मुआवजा और स्थायी भूखंड जारी नहीं किया जाएगा तब तक वो धरने पर बने रहेंगे।